नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमने संज्ञा से संबंधित जो हमारा पहला चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका था और हमने शुरू किया था अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम के विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सर्वनाम की परिभाषा हमने पढ़ी, अब हम सर्वनाम के भेदों को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्योंकि आगे जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, आप सारी चीजों को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें, ये सारे भेद आपके काम आने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए आप सभी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर सर्वनाम के भेदों के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम के भेदों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो छह भेद मैंने आप लोगों को यहाँ पर सर्वनाम के बताए थे। छह भेद में सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। तो रटने की जरूरत नहीं है कि आपने छह के छह याद कर लिए, रट लिए। रटने से क्या होगा, आप भूल सकते हैं, आपको समझना है। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर कहा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हम क्या जानते हैं कि सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द कहने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए तथा अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आगे निश्चयवाचक। तो निश्चय में जो वस्तु या व्यक्ति की निश्चित दूरी को बताता है कि वो कितने पास है, कितनी दूर है, जिसमें निश्चितता होती है। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह कलम मेरी है, वह हमारा विद्यालय है। एक निश्चित दूरी का यहाँ पर हमें बोध हो रहा है तो उसको कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यह वह। ठीक है, इसी तरह से अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में यहाँ पर हमने आप लोग को बताया कि जिसमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध नहीं होता, जिसमें हम नहीं बता पाते कि असल में निश्चित रूप से क्या है या कौन है। बाहर कोई खड़ा है, कोई आपको नहीं पता, कोई। ठीक है, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद संबंधवाचक की बात करें, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, या जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो मेहनत करेगा वो पास होगा। तो जो और वो, ये भी आपके सर्वनाम शब्द है, लेकिन कैसे शब्द है, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक जो यहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछे जाने का जिससे बोध होता है, जैसे आज तुमने क्या खाया, तुम्हारा नाम क्या है, कौन आया है। ठीक है, तो क्या, कौन, ये भी आपके सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन किस तरह के, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब लास्ट आता है हमारा निजवाचक। तो निज यानी कि जैसे बाकी चीजों का आपको अर्थ समझ में आ रहा है, तो निज का अर्थ होता है स्वयं, निज का अर्थ होता है स्वयं, अपने लिए। ठीक है, तो जो सर्वनाम कर्ता अपने साथ अपनेपन का बोध कराता है, जैसे
अपना गृह कार्य स्वयं करें, ठीक है, अपना कार्य स्वयं करें। वह अपने आप विद्यालय आ गया, ठीक है। तो जिसके जिस सर्वनाम शब्द से अपनेपन का कर्ता के साथ, ठीक है, किसके साथ, कर्ता के साथ, यानी कि दो वहां पर होंगे, एक कर्ता और दूसरा जो होगा वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे महेश यह काम स्वयं कर लेगा, ठीक है। सुरेश ने अपना काम स्वयं किया, ठीक है। तो कर्ता के साथ अपनेपन का जिससे बोध होता है उसको कहते हैं निजवाचक। निज यानी कि स्वयं, अपने लिए, अपने आप के लिए, ठीक है। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे। उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ना शुरू किया। तो हमने यहाँ पर पढ़ा, आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा इतना अपनी कॉपी में। इसके बाद आज हम जो शुरू करेंगे बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले व्यक्ति या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो बोलने वाला व्यक्ति जैसे मैं और हम, सुनने वाला व्यक्ति तुम और तू और तुम्हारा, और जिसके बारे में बात की जा रही हो वह, वे, उनका, आदि, ठीक है, उनका, उन्हें, आदि। तो ये सारे शब्द ध्यान पूर्वक देख लीजिए। जो शब्द बोलने वाले व्यक्ति के लिए, सुनने वाले व्यक्ति के लिए और जिसके विषय में बात की जा रही है उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। तो अब हमने यहाँ पर ये तो जान लिया कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही हो, इसमें तीन चीजें हैं। तो इन्हीं तीनों के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए गए हैं। पुरुष वाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से 3 भेद यहां पर बताए गए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, अगला है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, अगला है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम, तीन यहां पर उपभेद या भेद बताए गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। सबसे पहले उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। तो क्या होते हैं ये? अब देखिए, उत्तम पुरुष की हमने बात की, उत्तम पुरुषवाचक की हमने बात की। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला व्यक्ति या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति या लिखने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए करते हैं तो उसका हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जैसे उत्तम पुरुष में आता है क्या आता है? बोलने वाला, बोलने वाला व्यक्ति। और उसके लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है? बोलने वाले व्यक्ति स्वयं के लिए कौन कौन से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं? मैं, हम सब, हम लोग,
ये है आपके उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, जिसमें बोलने वाले व्यक्ति के लिए बात कही जाए। ठीक है, बोलने वाले व्यक्ति के बारे में जिसमें कहा जाता है वो होता है आपका उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है हमारा मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। उसके बाद आता है मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम में क्या होता है? इसमें जो संबोधन, यानी कि जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, सुनने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति या जिससे बात की जाए। ठीक है, सुनने वाला व्यक्ति या जिससे बात की जाए उसको कहते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हें, आप, लोग, तुम लोग आदि। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे तुम, तुम्हें, आप लोग, तुम्हारा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो शब्द है ये आपके आते हैं मध्यम पुरुष के अंतर्गत। उसके बाद अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम में क्या कहेंगे? जिसके बारे में बात की जाए। जिनके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में बात की जाए। तो और ये क्या होता है, उनके नाम के बदले ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो उदाहरण के लिए वे लोग, ये आदि। तीनों चीजें क्लियर हो गई। सबसे पहले उत्तम पुरुष की बात करें तो जिसमें बोलने वाले व्यक्ति के लिए कहा जाता है, तो जैसे जो बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए प्रयोग करता है मैं, हम सब, हम लोग। मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति के लिए तू, तुम, तुम्हें, आप लोग। अन्य पुरुष में जिनके विषय में बात की जाए वह, वे लोग, ये आदि। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छे से। तो ये है आपका उत्तम पुरुष वाचक, ये है आपका पुरुष वाचक सर्वनाम, जिसके तीन भेद हमने यहाँ पर आप लोग को बता दिए और तीनों को अच्छे से क्लियर कर दिया है। आगे बढ़ेंगे निश्चय वाचक सर्वनाम की तरफ। नंबर 2, निश्चय वाचक। देखिए साथ के साथ नोट डाउन कीजिएगा, अगर फिर भी कुछ छूट जाता है तो बता दीजिए, चैट के माध्यम से बता दीजिए, सिस्टम के माध्यम से बता दीजिए। निश्चय वाचक, निश्चय वाचक सर्वनाम,
नंबर दो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया कि सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करके बताता है। जैसे मैंने कहा यह मेरा पेन है, वह हमारा विद्यालय है, यह मेरी कार है, यह मेरा बैग है, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चित दूरी पर आप चीजों को बता रहे हो, क्लियर कर रहे हो, निश्चित दूरी के लिए आप शब्द का प्रयोग कर रहे हो, तो वो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। लिख लेते हैं इसको, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित निश्चित संकेत करते हैं। निश्चित संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते। निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहां पर हमने बता तो दिया कि ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। उदाहरण, अभी अभी दिया मैंने आपको उदाहरण, यह पुस्तक तुम्हारी है, वह हमारा विद्यालय है, यह मेरा घर है, वह मेरी कार है। ठीक है, तो ये क्लियर। एग्जाम्पल, वस्तु की ओर निश्चित संकेत, यह पुस्तक तुम्हारी है, वह हमारा विद्यालय है, यह मेरा घर है और वह मेरी कार है। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये किसी भी वस्तु की ओर निश्चित रूप से संकेत कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित संकेत बता रहे हैं चीजों के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यह और वह, ये अन्य पुरुष जो सर्वनाम होते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम, दोनों में ये प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यह और वह जो है, हमने यहाँ पर आप लोग को बताया था कि उसमें भी हम वह शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे, दोनों में प्रयोग किया जाता है ये। ठीक है, अन्य पुरुष के लिए भी वह प्रयोग किया जाता है और निश्चयवाचक में भी वह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये दोनों का अंतर आपको मैं यहाँ पर बताऊंगी। जैसे राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। ठीक है, राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है। तो यहां पर जो, अगर मैं आपको लिखूं एग्जाम्पल, राहुल मेरा भाई
भाई है वह मुंबई में रहता है। एक और एग्जाम्पल, यह है मेरी किताब है वह तुम्हारी किताब। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि हमने यहां पर क्या कहा है। आप पहले वाला वाक्य देख सकते हैं, पहले वाला देखिए, सबसे पहले पढ़िए, राहुल मेरा भाई है वह मुंबई में रहता है। तो ये मैं बात कर रही हूं, मैं वक्ता हूं यानी कि कहने वाली हूं और मेरी बात को कोई सुन रहा है। मैं उत्तम पुरुष जो मेरी बात को सुन रहा है, वो मध्यम पुरुष और जिसके बारे में यानी कि राहुल के बारे में बात कर रही हूं, राहुल मेरा भाई है और वह मुंबई में रहता है वह। तो ये वाला जो हमारा वह है, ये है अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। ये क्या है? अन्य पुरुष वाचक। कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों जगह प्रयोग किया जाता है लेकिन अलग अलग तरीके से। राहुल मेरा भाई है वह मुंबई में रहता है। और दूसरी तरफ यहां पर देखिए, यह मेरी किताब है। क्लियर? यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब। तो यहां पर यह निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है कि यह मेरी किताब है। हम बिल्कुल निश्चित दूरी बता रहे हैं किसी चीज की कि यह मेरी किताब है और वहां जो रखी है वह तुम्हारी किताब है। ठीक है, तो ये है आपका अन्य पुरुष वाला और ये है आपका निश्चय वाचक का। निश्चय वाचक, कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, दोनों जगह प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला अनिश्चय वाचक सर्वनाम नंबर 3 है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि किसी जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता। लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लीजिए आप भी, फिर एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु या प्राणी का बोध, देखिए अनिश्चय है, अ का अर्थ होता है नहीं, तो बोध नहीं होता है। अनिश्चय वाचक, अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते। अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल्स मैंने आप लोग को यहां पर बताए थे, जिससे हमें चीजें निश्चित नहीं हो रही हैं। उदाहरण के लिए, दरवाजे पर कोई आया है दरवाजे पर कोई आया है
दाल में कुछ काला है, दाल तो यहां पर दो शब्द हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहे हैं, जो अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे दरवाजे पर कोई आया है, क्लियर नहीं है कि कौन आया है, ठीक है, निश्चय नहीं हुआ है, निश्चित नहीं हुआ है कि कौन आया है। दरवाजे पर कोई आया है, दाल में कुछ काला है। अब वो काला क्या है हमें नहीं पता, हमें कोई कुछ भी निश्चित नहीं है कि काला क्या है, या दूध में कुछ गिरा है, ठीक है। तो कोई और कुछ, ये दो ऐसे शब्द हैं जो हमें अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। अनिश्चितता हमें यहां पर हो रही है। आगे बढ़ेंगे, क्लियर हो गया सभी को? नोट डाउन भी कर रहे होंगे सभी साथ के साथ, जरूर नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। और जो चीजें समझ में नहीं आती है, चैट के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, हैंड रेस करके आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। जो कुछ भी समझ में नहीं आता है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, या फिर ऐसे नहीं कि मैम पढ़ा रही है कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो पूछिए, 10 बार पूछिए, लेकिन पूछिए जरूर, अपने मन में डाउट नहीं रखेंगे। नंबर 4, संबंध वाचक, संबंध वाचक में हमने क्या बताया था कि ये संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम से जिस वाक्य में ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं, उस वाक्य में यदि कोई दूसरा संज्ञा या सर्वनाम शब्द है तो उससे ये संबंध बताने वाले होते हैं, इसीलिए इन्हें संबंध वाचक कहा है, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या प्रयुक्त दूसरे दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने बताने वाले वाले सर्वनाम संबंधवाचक संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया था, जो वाक्य में आए हुए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताते हैं। उदाहरण के लिए, जो मेहनत करेगा जो मेहनत करेगा वह पास होगा,
जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो करेगा सो भरेगा, जो मेहनत करेगा वह पास होगा, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, देखिए मेहनत से पास होने की बात की गई है, मेहनत करने से पास होने की बात की गई है कि जो जो मेहनत करेगा वो पास होगा, जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो काम करेगा वही भरेगा, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। अगर आप गलत काम करते हैं तो उसका भी फल मिलता है, अगर आप सही काम करते हैं तो उसका भी फल मिलेगा। तो जो करेगा सो भरेगा, जो मेहनत करेगा वह पास होगा। तो इस तरह से हमारा संबंधवाचक सर्वनाम तक हमें क्लियर हो गया है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर पढ़ा, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा और संबंधवाचक सर्वनाम पढ़ा। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो साथ के साथ नोट डाउन करते रहे। तो बच्चों यहाँ पर हमने सर्वनाम के भेदों को पढ़ना शुरू किया है और सर्वनाम के भेदों में हमने चार भेद अभी तक क्लियर कर लिए हैं। तो आप घर पर जाइए और इन सभी भेदों को एक बार रिवाइज कीजिए और इनसे जुड़े हुए यहाँ पर शब्द और वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, कंटिन्यू करेंगे हम अपने इस टॉपिक को अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।